के अंदर डेवलपर होते हैं, डिजाइनर होते हैं, ठीक है। डेवलपर की क्या जिम्मेदारी होती है, डेवलपर ने पोर्ट करना होता है गेम को किसी ना किसी तरह किसी रनिंग फॉर्म के अंदर लेके आना, और जो डिजाइनर है उसने क्या करना है, डिजाइनर ने आपको या डेवलपर को क्या नाम है एसेट्स प्रोवाइड करने हैं जो ग्राफिक रिलेटेड एसेट्स होते हैं गेम के लिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो उसने प्रोवाइड करने होते हैं आपके डिजाइनर ने। अब डिजाइनर के एक और ड्यूटी भी होती है कि उसने मॉडल्स भी आपको प्रोवाइड करने होते हैं। आप गेम खेलते हैं, लेट्स सपोज आप कोई शूटिंग गेम खेलते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक गन है आपके पास, तो गन जो एक गन का मॉडल नज़र आ रहा था ना, बेसिकली आपको एक डिजाइनर ही प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। अब हम गेम बनाते हैं किस तरह, गेम बनाने के लिए पहले जब मैं आज से 3 साल पहले काम किया करता था गेम डेवलपमेंट के अंदर, तो हम लोग यूज़ करते थे नेटिव पे काम करते थे, एंड्रॉयड की मतलब एंड्रॉयड पे हमने कोड करना है और कुछ डिफरेंट लाइब्रेरीज को यूज़ करके, इमेजेस को यूज़ करके हमने कोड करना, ठीक है। वो बहुत एक टाइम टेकिंग जॉब था, तकरीबन एक माह भी लग जाता था एक छोटी सी गेम बनाने में, कि एक बॉल है, बॉल को आपने मूव करवाना है बस, ठीक है, तो उस पर हमें पूरा एक महीना लग जाता था, उसके ग्राफिक्स को सेंड करना, उसके ऊपर साउंड्स लगाना। गेम के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, कि अगर आप एक बॉल की फिजिक्स बना रहे हैं, फिजिक्स मतलब ये है कि आप टैप करते हो बॉल उछलता है, ठीक है, तो वो बॉल के उछलने में रियलिटी बेस्ड इफेक्ट होने चाहिए, वो बॉल रैंडमली वैसे उछलने लगा के जिस तरह एक असल में बॉल उछलता है ऊपर नीचे, उस तरह रियलिटी आनी चाहिए गेम के अंदर, फिर उस चीज़ का मज़ा आता है। अगर रियलिटी नहीं होगी तो गेम का मज़ा नहीं आएगा, जो हमारा एंड यूजर होता है यानी प्लेयर होता है वो उसको इतना पसंद नहीं करेगा, एक दफ़ा उसे डाउनलोड करेगा, खेलेगा, यार क्या तो पास है, तो वो फिर इतना फोकस नहीं करेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि गेम इंजन के बारे में, ठीक है, तो 3 साल पहले जब मैं काम किया करता था तो हम लोग नेटिव पे काम करते थे, उस वक्त इस इतनी यूनिटी था बिल्कुल था, लेकिन इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी टूल के बारे में कि ये है क्या, कैसे काम करते हैं, क्या नहीं। तो फिर ऐसा ऐसा पता चला यार ये नेटिव से हट के कुछ और भी चीज़ होती है, इंजन होते हैं जो आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। फिर हम शिफ्ट हुए उस पर एंड्रॉयड का नाम, एंड्रॉयड का एक था एंड इंजन, एंड इंजन था वो भी लाइब्रेरीज लिखी होती थी एक्सटर्नल, एंड इंजन पे हम शिफ्ट हुए, उसके थ्रू हम लाइब्रेरीज को यूज़ करते थे और फिर हम गेम डेवलपमेंट में आए। हमने हमें पता चला यार अच्छा हमें जैसी भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, जिससे थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता, अब जहाँ महीना लग रहा था अब 15 दिन लगने लग गए। वो जो एंड इंजन था वो एक इंजन था, लेकिन वो उस तरह का मैच्योर इंजन नहीं था जिस तरह का अभी हमारे पास यूनिटी 3D इसके बारे में आज हमने बात करनी है वो है, ठीक है। हम लोग उस पर मैं उस पर काम किया थोड़ा सा, तकरीबन 1.5 माह काम किया, मैं कहा यार ये अच्छा नहीं है, इससे अच्छा तो नेटिव पे मैं काम करता था, वही सही है, ये भी सही, वो स्टेबल नहीं था उसका, आपकी बग आ जाए कोई एरर आ जाए तो आप ढूंढते रहो आधा आधा घंटा आधा घंटा टूटते रहो, आपको सपोर्ट ही मिलती थी। डेवलपर सपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप वो टूल ज़्यादा प्रेफर करते हो जो मार्केट में ज़्यादा चल रहा हो, क्योंकि अगर आप कहीं फंस जाते हो काम करते करते कहीं रुक जाते हो स्टक हो जाते हो तो आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, और हमेशा आपके पास कोई सीनियर या कोई आपके पास कोई फ्रेंड या कोई कलीग हेल्प के लिए अवेलेबल नहीं होता, तो अवेलेबल कौन होता है, गूगल, ठीक है, इस फील्ड में चलते ही गूगल। तो जब आप गूगल करते हो अगर आपको उस टूल के बारे में पता ही ना चले कि यार उस स्पॉट ही नहीं मिल रही होती जो टूल ज़्यादा मार्केट में ही नहीं होगा, ठीक है। तो शॉर्ट पर ये है कि अब मार्केट में बहुत ही फिजिकल किस्म का टूल अवेलेबल है यूनिटी 3D, ठीक है। यूनिटी 3D क्या है, इस पर हम गेम डेवलप करते हैं। यूनिटी 3D के अलावा हमारे पास 2000 और टूल है, एक है अनरियल, ठीक है, और एक फोकस स्टूडियो और एक यूनिटी है, ये तीन मेरे पास गेम इंजन है। हैंडराइटिंग में वीडियो सामने आ रही तो मात्रा से अच्छा। अनरियल एक बहुत ही एडवांस किस्म का गेम इंजन है, ठीक है। इसके बाद फोकस स्टूडियो पहले यूज करते थे 2D के लिए, जब से यूनिटी 3D मार्केट में पॉपुलराइज हुआ है आम हो गया, उसके बाद यूनिटी 3D के बाद फोकस 2D में छोड़ दिया गया, क्योंकि यूनिटी 3D नाम से पता लग रहा है कि यार सिर्फ 3D का सपोर्ट करता है, लेकिन ये 3D नहीं है, बेसिकली ये 2D 3D दोनों चीज़ों का हैंडल कर रहा है। इसके अंदर आप दोनों तरह की गेम बना सकते हैं 2D भी और 3D भी, ठीक है। अनरियल हम क्यों यूज़ करते, फोकस 2DX जो था वो के लिए एक और टाइम टेकिंग जॉब था, इसकी भी हेल्प लेनी होती थी तो वो आपके इतनी सपोर्ट नहीं मिलती।
जहाँ डिफरेंट इवेंट ऑर्गेनाइजर्स कंपनीज ब्रांड्स आते हैं, सर होंगे, और उनको उन ब्रांड्स को जो भी इवेंट रिसोर्सेज चाहिए, क्यों चाहिए, आर्ट डिजाइनर्स चाहिए होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए होते हैं, इवेंट डेकोर चाहिए होते हैं, देन कुछ हमारे लोग होते हैं जिनको सिंगिंग वगैरह का बहुत शौक होता है, वो लोग इवेंट पे चाहिए होते हैं. सो एनीथिंग दैट इज नीडेड ऑन अ इवेंट इज एन ऑडियंस ऑफ शारू. गेम डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू शारू, बट दिस इज एन इवेंट. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस, कि दिस इज एन इवेंट. तो हमारा काम है इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना, इवेंट को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करवाना, ताकि हमारे टारगेट ऑडियंस को पता चले कि जनाब अच्छा इवेंट कम रिसोर्सेज में रहते हुए इस तरह से मैनेज होता है. और ये बिल्कुल एक दो मिनट पहले की कॉल थी कि ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, और ये आपके साथ में है ये सब कुछ. तो दो मिनट की कॉल पर अगर इस तरह से इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जा सकता है, तो दो दिन की प्लानिंग से ऑफकोर्स बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जा सकता है. और इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की जरूरत होती है आपके इवेंट प्लेस के रिसोर्सेज की. आज यहाँ जो चीज़ हमें फेस करनी पड़ी बीइंग द सीईओ ऑफ शारू, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो ये था कि एकेडमी की तरफ से, आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से थोड़े से रिसोर्सेज की कमी थी. लाइक वी नीड HDMI कन्वर्टर राइट नाउ एंड दैट्स नॉट फेयर. तो इन चीज़ों की वजह से समटाइम्स छोटी छोटी चीज़ों की वजह से इशू आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप एक्चुअल इवेंट प्लानर्स को, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को हायर करते हैं, ताकि वो आपके इवेंट को अच्छे तरीके से सक्सेसफुल तरीके से आगे लेकर चल सकें. So Sharu is a team of event organizers. तो हम लोग different event organize करवाते रहते हैं. इससे पहले हमारे इस area के काफी institutes में event organize हुए. आज peak में है, maybe next week Garrison में हो, उससे next week Edge College में हो. तो ये एक series of reactions है. Well, बहुत अच्छा लगा मुझे अभी एक मेरे बात करते करते मुझे बताया गया इंशाल्लाह. So that's a nice thing. Thank you. तो इंशाल्लाह coming weeks में हमारे different जगह पे events होंगे, आप लोग वहाँ भी welcome हैं. पीक में करवाने का एक मकसद ये था क्योंकि इवेंट पे एक बहुत क्रूशियल पार्ट होता है डेकोर का, और आज के दौर में डेकोर सिर्फ ऑन प्लेस नहीं रह गई, इवेंट से पहले उसकी डेकोर होती है. आप हम पोस्टर्स देख रहे हैं, ये इस इवेंट के पोस्टर्स लगे हुए हैं, तो ये पोस्टर्स किसी ना किसी ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइन किए होंगे ना. आपके जैसे कोई बच्चा होगा ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करने आया होगा पीक में, उसने ये डिजाइन किया होगा, राइट? तो आपने ये नहीं समझना कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस चीज से. इट्स एन इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री में हर बंदे का कोई ना कोई अमल दखल होता है. इवन ग्राफिक डिजाइनर इज अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, इवन अ वेब डेवलपर इज अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, इवन अ गेम डेवलपर इज अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. आजकल क्या होता है, मार्केटिंग का एक बहुत जबरदस्त टेक्निक है कि किसी भी इवेंट से पहले उसकी पब्लिसिटी के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए कोई छोटी सी सिंपल सी गेम लॉन्च कर दी जाती है. लोग वो गेम खेलने में इंटरेस्ट फील करते हैं, लोगों को इंटरेस्ट फील होता है, लोग कहते हैं वो पता करते हैं ये क्या है, मुझे पता करना चाहते हैं, तो उनको पूरे इवेंट की डिस्क्रिप्शन पता चल जाती है. इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल गूगल तो सब चलाते हैं ना, इवेंट 3D का किसी को नहीं पता तो कोई मसला नहीं, गूगल तो सब चलाते हैं. कोई एक ऐसा बच्चा खड़ा करते जो कहता है उसने आज तक गूगल नहीं चलाया, कोई भी नहीं है, कोई महान इंसान ऐसा नहीं पाया जाता है यहाँ पर, राइट? तो आप लोग देखते हैं कि जब ICC का कोई इवेंट आता है, या किसी पोइट की बर्थडे आती है, या पिकासो की बर्थडे थी पिछले दिनों, तो गूगल अपने होम पेज पे ग्राफिक्स को चेंज करता है. Like ICC का इवेंट था पिछले दिनों, वर्ल्ड जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसमें वो गेम की छोटी सी एनिमेशन चल रही थी, उसके बैकएंड में पूरी गेम थी, पूरी साइंस थी वो, तो वो गेम किसी गेम डेवलपर ने बनाई होगी, राइट? तो गेम को यूज करते हुए आप पब्लिसाइज किस चीज को कर रहे हैं, इवेंट, इवेंट, राइट? सो इवेंट की इंडस्ट्री में गेम का लेना देना भी है, बिल्कुल है. देन होता क्या है कि आजकल इसी चीज को अगर हम दूसरी तरह से मैप करें, तो कोई भी गेम बनती है उसका प्रॉपर लॉन्च इवेंट होता है. गेम जो है बिल्कुल किसी फैशन ब्रांड की तरह, जैसे कुछ नया फैशन ब्रांड बनता है उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी होती है. कभी अटेंड की किसी फैशन ब्रांड की लॉन्चिंग सेरेमनी किसी ने आपने की, राइट? तो इसी तरह से सिमिलरली जब कोई नई गेम बनती है तो उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी करवाई जाती है.
वो लॉन्चिंग सेरेमनी क्या है? सो दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर रिलेटेड. तो अगर आपको जरा सा भी लग रहा है कि ये दो चीजें रिलेटेड नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल रिलेटेड है. इवेंट और गेम, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है. द वेरी नाइस थिंग इज आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे. तीसरा पॉइंट इस वर्कशॉप को करवाने का, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम ये वर्कशॉप क्यों करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, ये मूवीज पर बेहतर बता सकते हैं मेरे से क्योंकि उनका एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है इस फील्ड में. तो क्यों करवा रहे हैं? तीसरा पॉइंट, आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनको आगे चल के ग्राफिक डिजाइनर, इवेंट मैनेजर, ये सब नहीं बनना होगा, उनको बिजनेसमैन बनना होगा, एंटरप्रेन्योर बनना होगा, अपनी कंपनी स्टार्ट करनी होगी. होंगे कुछ बच्चे ऐसे, है किसी के जहन में ऐसा कोई एम के मैंने बड़े होकर अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है? एक और कोई, दो और तीन, नहीं मतलब हिचकिचाना नहीं है आपको, कोई नहीं कुछ करेगा. अक्सर लोगों के जेब में एक ही चीज आती है यार, आईटी की कंपनी बनाएंगे, 6-7 बच्चे रखेंगे, उनसे वेब डेवलपमेंट करवाएंगे, 50,000 के प्रोजेक्ट लेंगे, आगे डिलीवर करेंगे और आईटी की कंपनी बन गई, एंटरप्रेन्योर बन गए, वाओ दैट्स कूल. यानी पता अमूमन ये होता है. बट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि सिर्फ एक गेम की बेस पे, एक अच्छी गेम की बेस पे पूरी की आईटी कंपनी स्टैंड कर सकते हैं. और ये हमारे नेक्स्ट वर्कशॉप का टॉपिक है कि हाउ यू कैन स्टार्ट अ बिग आईटी कंपनी बेस्ड अपॉन अ सिंगल गेम. तो आज आपको जो भी कुछ यहाँ मुझे बताएं, इस चीज को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना. एक गेम बहुत पावरफुल चीज होती है. आपको देखने में शायद लगता है कि यार एक छोटी सी गेम बनाने से क्या होगा, 3-4 लोग खेल लेंगे, मुझे उसका क्या फायदा होगा? तो ऐसा नहीं है. इट्स अ कंप्लीट इंडस्ट्री एंड इट्स अ हाईली प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री. लेट मी टेल यू गाइस कि आईटी इंडस्ट्री में अगर हाईली पेड डेवलपर किसी भी चीज का होता है तो वो गेम डेवलपर होता है. और इसमें आपको सबसे ज्यादा हाईली टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड होती है. एज मूवीज वाज टेलिंग फ्यू मोमेंट्स अगो कि आप सिर्फ एक जो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स है सिर्फ उसकी बेस पे गेम नहीं बना सकते, आपको डिजाइन स्किल्स भी चाहिए होती हैं, आपको ऑडियो ट्रैक्स भी चाहिए होती हैं, आर्टिस्टिक स्किल्स चाहिए होती हैं, राइट? तो ये सब चीजें चाहिए होती हैं आपको. सब लोग मिलके एक गेम बनाते हैं. सो ऐसा भी होता है कि एक गेम डेवलपमेंट की टीम है, उसी टीम में रहते हुए ग्राफिक डिजाइनर की